संस्कृति या संस्कृति वाला कंसेप्ट है एविडेंस में कहां पर है कंफेशन वाला कंफेशन प्रोविजंस हां प्रोविजंस हां वो क्या होता है कंफेशन इज द एडमिशन ऑफ द गेट फॉर द जब आप ये बताओ महिलाओं से रिलेटेड कौन कौन से बड़े मेजर एक्ट्स हैं जो महिलाओं से रिलेटेड हां प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज और बट सेक्सुअल प्रोटेक्शन फ्रॉम वर्क प्लेस से रिलेटेड सेक्सुअल हैरासमेंट प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस चलो अच्छी बात चलो लास्ट क्वेश्चन ये है कि किसी भी व्यक्ति को सजा हो जाए उसके बाद भी क्या वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है जी सर सजा हो गई उसके बाद क्या चीज बेल है कैसे वहाँ पे हाई कोर्ट में कर सकता है सर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस और ग्राउंड ऑफ फिल इसलिए इसमें नाम पर है क्या मेंशन सर 389 जैसे कोई जज के कोर्ट रूम में कोई वकील या कोई क्लाइंट कोई अभद्र व्यवहार करता है तो एक मजिस्ट्रेट उसके लिए क्या करता है सर वो कोचिंग डिस्क्रिप्शन टू द जुडिशियल 228 आईपीसी वो ये ऑफेंस है या द जुडिशियल प्रोसीडिंग टू प्रिवेंट है उसे आप डिस्क्राइब करते हो तो डिस्क्रिप्शन कर देना दो ऐसे कौन से नेचर के कंटेंप्ट हैं कोर्ट में एक तो क्रिमिनल कंटेंप्ट और दूसरा सिविल तो आपने क्रिमिनल कंटेंप्ट अगर मानते हो किसी का इसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो आपने 228 आईपीसी में आपने बता दिया कि अगर मैं 228 इन्वोक नहीं करता तो एज बीइंग अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर व्हाट ऑल आई कैन डू इन दिस हमारे यहाँ पे जैसे हाईकोर्ट में ज़्यादातर रिट जुरिस्डिक्शन अपने यहाँ पे हाईकोर्ट में है और कहीं पे सुनिए सर और कहीं पे हाईकोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में किस में है अभी तक 32 तो रिट्स आप बेसिकली कब फाइल कर सकते हैं व्हाट इज देयर दैट यू कैन फाइल अ रिट सर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट हाईकोर्ट में तो सर वायलेशन ऑफ एनी राइट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स जैसे आप आपकी कोई संस्था में काम करते हैं उन्होंने आपको निकाल दिया तो क्या आप रिट चला अगर मेरे पास अगर अल्टरनेटिव रेमेडी है एफिकेशियस अल्टरनेटिव रेमेडी तो नहीं लगा सकता एफिकेशियस अल्टरनेटिव रेमेडी नहीं है और आपकी संस्था एक पढ़ाई के क्षेत्र में काम करती है तो क्या उसके लिए आप रिट वो रिट जुरिस्डिक्शन वो कर रिट जुरिडिक्शन तो इन्वोक नहीं कर सकता मैं लेकिन मैं 226 के अंदर जा सकता हूँ रिट क्यों नहीं कर सकते आपका वायलेशन ऑफ राइट तो है फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन और तो रिट इंफ्रिंजमेंट है मैं वही कह रहा हूँ आज मैंने आपको तनख्वाह नहीं दी 2 महीने या फिर आपने बिना सुनवाई का मौका दिए आपको निकाल दिया तो क्या इस संस्था के लिए आप रिट लगा सकते रिट नहीं लगा सकते 226 के अंदर जा सकता हूँ रिट नहीं 226 तो रिट के बारे में रिट के अलावा भी ऑर्डर्स पास तो बेसिकली चलो 226 इन्वोक करने के लिए या रिट करने के लिए आपका क्या होना जरूरी है कि तभी रिट मेंटेन हो वायलेशन ऑफ राइट लीगल राइट लीगल राइट तो राइट हमारे कहाँ से कहाँ डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल दिस चैप्टर 3 आर्टिकल 12 से प्रॉपर राइट्स तो आर्टिकल 14 से 32 के बीच फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर लोग तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 आपका फील्ड ऑफ कमांड क्या है अगर आपसे पूछा जाएगी तो आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मुझे सवाल पूछे जाए तो मेरे को इस बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी है सर जैसे मैं बीजी आईपीआर में कर रही थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो मान लो सीपीसी करके मेरा लोगो है सीपीसी एक लोगो है मेरा जिसके अंदर 3 लेटर दिए हैं सीपीसी आपने भी एक लोगो बनाया उसके अंदर भी सीपीसी है और दोनों अगर आप देखते हैं तो दोनों अलग अलग हैं इन्होंने स्मॉल लेटर्स यूज़ किए हैं मैंने कैपिटल लेटर यूज़ किए तो क्या ये ट्रेडमार्क का वायलेशन जी सर कैसे लाइकलीहुड ऑफ कन्फ्यूजन इन टेस्ट होता है
एग्जैक्ट सिमिलैरिटी कभी नहीं दिखता है सर। एग्जैक्ट सिमिलैरिटी हो तो वो तो सीधा सीधा वॉयलेशन बन सकता है। तो ट्रेडमार्क का जो सर रेशनल वो ये है कि जो पब्लिक है वो कन्फ्यूज ना कि गुड्स और सर्विसेज कहाँ से आ रहे हैं, अगर उसकी लाइवलीहुड और कन्फ्यूजन है तो उसे ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क है। अपने यहाँ पे जोधपुर के आसपास अपने को ट्रेडमार्क रजिस्टर करना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? आप बताओ ये भी जो मीटू चल रहा है ये क्या है मीटू? सर मीटू बेसिकली जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो 2006 में एक वुमेन ने एक स्टेटमेंट डाला था, उसका जो उसके एलिगेशन थे कि उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ और उसने इस चीज़ को पब्लिकली डिस्क्लोज किया था। तो उसने बाकी औरतों को कहा था कि जिनके साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं वो हैशटैग मीटू लगा के अपनी जो डिटेल्स है वो पब्लिक करें, वो एक मोटिवेट करने के लिए या जो भी है ये मूवमेंट चला 2016 से हुआ है और अभी इसने ज़्यादा मतलब सोशल अटेंशन लिया है। अभी ऐसे कौन से मंत्री जी को अपना जितेंद्र ये बताओ कि इसमें जैसे मीटू का कोई मामला आपके सामने आता है तो आप मीटू के आधार पर किसी को सजा दोगे? सर मीटू के आधार पर कोई सजा दे नहीं सकता। मीटू क्या ऑफेंस क्या होगी? अगर एफ आई आर होती है मेरे अंदर कंप्लेन आती है अगर आईपीसी से रिलेटेड तो मैं उसका वो कर सकता मीटू कर सकते। एक सेकेंड ना सर, मान लो एक 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 महिला ने 1989 में या ये आरोप अभी लगाया कि 1989 में मेरे साथ आप सर ने एक 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 ऐसे जॉक सुनाया था जिसमें सेक्सुअल और वल्गैरिटी थी जी, ठीक है, और मीटू करके के दिया। उसके बाद वो आपके कोर्ट में कंप्लेन फाइल करते हैं कि साहब मेरे साथ इन्होंने 1989 में एक सेक्सी जॉक पास किया था ऐसा कुछ था, और आप उसको कॉन्ग्रेस लोग सिर्फ कॉन्ग्रेस 3 साल तक ले सकते हैं। अच्छा, और मतलब अगर ऑफेंस 3 साल तक पनिशेबल है तो अब वो धारा कौन सी लगाती है? अब आप बताओ फिर कौन सी लगाओगे? एक महिला के सामने एक एक इस तरीके से चुटकुला सुनाना जो एक वल्गर है 354 के अंदर आप ले सकते हैं। 354 क्या है? मोडेस्टी ऑफ वुमेन आउटरेंजिंग आउटरेंज या 509 में जाता था। 509 तो क्रिमिनल इंटीमिडेशन से सॉरी सर 509 भी वो, लेकिन सर दोनों में ऑफेंस में सर मैं इतना कंफ्यूज हूँ, लेकिन दोनों ही ऑफेंस में पनिशमेंट के हिसाब से लगा तो फिर इसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं लिया सर। कहाँ निकालो? सी आर पी सी में है सर। सर आप जैसे जिसने आरोप लगाए 10 साल पहले गलत किया ऐसे किया, मैंने वापस मान आने का दावा किया जी सर, तो क्या उसको पहला को सजा मिलनी चाहिए? सर वो तो अगर केस प्रूफ हो जाता है डिफेमेशन का इसमें आप क्या समझते हैं? सर आपने मान आने का केस किया है, क्रिमिनल केस किया है मान आने का, अगर आप प्रूव कर पाते हो कि डिफेमेशन है तो सर कश्मीर समस्या कैसे समस्या? कश्मीर समस्या सर ये है कि पॉलिटिकल इशू है पूरा, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो है जो लोग है ये खुद को इंडिपेंडेंस की लड़ाई समझते हैं, इनकी जो लड़ाई है खुद समझते हैं इंडिपेंडेंस की लड़ाई है। जैसे हम ब्रिटिश के अंडर थे तो भगत सिंह जो था वो ब्रिटिशर्स के लिए टेररिस्ट था, लेकिन हम इंडियंस के लिए वो क्रांति बने। वैसे ही अगर कश्मीर में कोई लड़का बंदूक उठाता है तो काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो उसे टेररिस्ट नहीं कहते हैं, उसे क्रांतिकारी कहते हैं, वो उनके लिए वो एक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। तो ये जो परसेप्शन है ये परसेप्शन की बात है सर। आपको क्या लगता है वो भगत सिंह है? नहीं सर मेरा ओपिनियन नहीं है। आप क्या मानते हो? सर हम तो कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हैं, हमारा संविधान कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हैं, तो अगर लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट कोई जा रहा है तो हमारे लिए सर ओपन है। 35A आर्टिकल है जो सर उसमें ये है कि कोई भी बाहर का आदमी वहाँ जाके प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, प्रॉपर्टी एक्विजिशन नहीं कर सकता, और जो पब्लिक सर्विसेज है वो ये है, बाकी जो एम्प्लॉयमेंट है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर उसमें जो रेसिडेंस और उन सबकी रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है। हाँ सर अभी कोर्ट में चल रहा है सर।
अमर सिंह राठौर के बारे में जानिए। मेथी होती मेथी वो नागौर की प्रसिद्ध है, अब उनके सामने क्या समस्या होगा आंदोलन कर रहे हैं? सर मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। नागौर बैल के बारे में क्या? नागौर बैल क्या है सर? नागौर बैल खेती में काफ़ी काम आता है, एक तरह खेती लायक खेती में किसान उसे काम में लेते हैं। अगर पहले अभी तो सर प्रोजेक्शन है कि 3 साल से कम अगर बैल है तो उसे आप बेच नहीं सकते लोग हैं, लेकिन पहले जब ये प्रोहिबिशन नहीं थी तो नागौर बैल काफ़ी मात्रा में मतलब यहाँ से यूपी वाले लेके जाते थे, क्योंकि उनकी जो ज़मीन है वो काफ़ी छोटी होती है, 2 बीघा 4 बीघा, तो उसमें बैल वो काम में लेते हैं खेती करने के लिए। आपकी उम्र क्या? सर मेरी रुचि स्पोर्ट्स में, उसके अलावा सर आजकल मैं योगा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा उसमें इंटरेस्ट है तो उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। योगा का इतिहास जानते हैं जी सर? योगा का इतिहास क्या है जी सर? योगा के इतिहास के बारे में ज़्यादा नहीं जानकारी, मेरे को ये पता है कि जो आजकल जो योगा सिखाया जाता है वो पतंजलि द्वारा दिया गया है, 8 स्टेजेस में योगा होता है, और जो फिजिकल योगा है जो हम मतलब शरीर के द्वारा करते हैं वो तो सिर्फ 2 स्टेज है, उसके आसन और प्राणायाम, उसके अलावा जो है वो मानसिक और आध्यात्मिक भी होते हैं। योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस सर 21 जुलाई को मनाया जाता है। कब से शुरू हुआ सर? अभी इस ज़्यादा 2-3 साल से शुरू हुआ सर, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के एफर्ट्स के कारण अभी यूनेस्को ने से 21 जुलाई को योग दिवस हो सकते हैं। अंतिम मेरा प्रश्न है जी सर, आप में से क्या योग्यता है आपका चयन होना चाहिए, क्या मानते हो आप? सर मैं ये मानता हूँ कि सर मैं जो अपनी ड्यूटी है वो पूरी ईमानदारी से करूँगा सर, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं, आप मुझे आई एम नॉट मैं करप्ट नहीं हूँ सर, मेरे को ये लगता है कि मैं करप्शन कभी नहीं करूँगा, किसी भी तरीके की करप्शन नहीं हुई, जो लॉ है मैं उसे इम्प्लीमेंट करूँगा भले उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी। आप कह रहे हो मैं ईमानदार हूँ और मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ, मान लो आप, हाँ मान लो आप अजमेर में पोस्टेड हैं और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस जयपुर जा रहे हैं, जयपुर से जोधपुर आ रहे हैं और आप अपोल टाइम जी सर, ठीक है ना, वो आपको फ़ोन करते हैं कि जितेंद्र वहाँ सर्किट हाउस में आओ और आपसे बात करते हैं, उधर आपका कोर्ट का टाइम भी है और आपको उसको प्रोवाइड कर सर। काम तो काम है सर, मैं हो सकता है 1 घंटा निकाल के उनके पास चला जाऊँ, अगर उन्होंने बुलाया तो होगा, जरूरी काम ही होगा, वापस आके सर 1 घंटा ज़्यादा काम ज़्यादा ज़्यादा पोर्टल टाइम होगा वही होगा, उससे ज़्यादा आप कैसे कर सकते हैं? मैं कोशिश करूँगा कि सर चीफ जस्टिस ने बुलाया तो उनका भी काम ज़रूरी होगा, ऐसे फिर नहीं कि सर हाई लोगों ने बुलाया तो ज़रूरी काम के लिए बुलाया, पर उनकी उस तरफ भी जाना होगा, वापस आके मैं कोशिश करूँगा जल्दी से काम चलो।